परीक्षा का परिणाम जानना किसी भी छात्र का हक होता है, पर अगर सरकार ये हक देने में असफल हो जाए तो छात्र को क्या करना चाहिए? आज यही सवाल देश के 35 लाख नौजवान छात्र पूछ रहे हैं। नीट और जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए किए गए विरोध प्रदर्शन का नतीजा कुछ खास नहीं निकला। आज इसी तरह की आंधी एक बार फिर आई है। #speakupforssc_railway_student बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स ने अपना मोर्चा सरकार के खिलाफ खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री और कुछ बड़े नेताओं को टैग कर वे अपनी परेशानी साझा कर रहे हैं। नमस्कार, एडुवार्ता में आपका स्वागत है। आखिर ये मुद्दा क्या है और ये उठा कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीट और जेईई एग्जाम और फाइनल ईयर एग्जाम्स को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट होने के बाद SSC CGL 2018 के परिणामों के लिए छात्रों ने सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी है। एक तरफ भारी विरोध के बावजूद सरकार नीट और जेईई और फाइनल ईयर एग्जाम्स कोरोना काल में करवा रहा है, वहीं दूसरी तरफ छात्र अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए लिखा कि SSC CGL परीक्षा 2018 में आयोजित हुई थी, लेकिन अभी तक उन्हें अपने रिजल्ट नहीं मिल पाए। एग्जाम में अपीयर होने वाले छात्रों का कहना है कि वे लगभग 2 सालों से अपने रिजल्ट्स से अनजान हैं। छात्रों की मांग है कि अब SSC रिजल्ट्स जल्द से जल्द जारी कर दिए जाएं। इसके अलावा RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से नॉन टेक्निकल और ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए। सभी असंतुष्ट उम्मीदवारों, स्टूडेंट यूनियंस ने ट्विटर पर अपना पक्ष जाहिर किया और विचार व्यक्त किए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अब सरकार को नियुक्ति में और देरी नहीं करनी चाहिए, प्रतीक्षा सूची और रैंक लिस्ट जल्द से जल्द जारी कर देनी चाहिए और परीक्षा प्रणाली समय बंद होनी चाहिए। अब इस #speakupforssc_railway_student के चलते छात्र संघ NSUI ने ट्विटर पर कई सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि छात्रों को हमेशा सरकारी परीक्षाओं के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, SSC या RRB समय पर आयोजित क्यों नहीं करवाए जाते, परीक्षा प्रतिक्रिया में 3 से 4 वर्ष क्यों लग जाते हैं। इस मामले में राजनीतिक दल भी शामिल हुए। बिहार के राजनीतिक दल RJD ने उम्मीदवारों का समर्थन करते हुए ये लिखा कि देश के बेरोजगार युवाओं के लिए वे अपील करते हैं। अब आगे देखना होगा कि सरकार कैसे इन छात्रों की मांग पूरी करेगी। क्या सच में इन छात्रों को न्याय मिलेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।